नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवास साक्षी का स्पेशल शो। यस माय लॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लॉर्ड कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी गहन गंभीर वाला था। सुप्रीम सुनवाई में वीवीपैट मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को लेकर अहम टिप्पणी की। योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के MD बालकृष्ण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एलोपैथी का अपमान नहीं कर सकते। सरोगेसी से दूसरा बच्चा पैदा करने से रोकने वाले कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। इस सप्ताह यानी 15 अप्रैल से 20 अप्रैल 2024 तक क्या कुछ हुआ, कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर, जजमेंट और टिप्पणियों का वीकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की खबरों के बारे में बताएंगे। हर चीज पर शक करना एक समस्या। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में याचिकाकर्ता से कहा कि वो EVM की क्षमता पर संदेह न करें। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ करें। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये बातें कही। कोर्ट ने कहा कि हर चीज पर संदेह करना एक समस्या है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रे के साथ EVM से डाले गए वोटों के क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं समझता हूं कि चुनाव एकदम नजदीक है, कम से कम EVM में बटन दबाने के बाद 7 सेकंड तक जलने वाले बल्ब को लगातार जलने देना चाहिए। बेंच ने EVM के काम करने के तरीकों को समझाने के लिए चुनाव आयोग के एक सीनियर अधिकारी के साथ करीब 1 घंटे बातचीत की। बेंच ने कहा, हर चीज पर शक नहीं किया जा सकता, आप हर चीज की आलोचना नहीं कर सकते, आप मासूम नहीं। योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के MD बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह भ्रामक विज्ञापन के मामले में आम माफीनामा देने को तैयार है। दोनों कोर्ट के सामने पेश हुए जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस ए अमन नुल्ला की बेंच ने इस दौरान रामदेव और बालकृष्ण से हिंदी में सवाल जवाब किया। कोर्ट ने कहा क्यों उन्होंने कोर्ट में अंडरटेकिंग देकर उसका उल्लंघन किया। जस्टिस सीमा कोहली ने कहा कि आपने काफ़ी प्रतिष्ठा अर्जित की है, लोग आपके काम की तारीफ करते हैं, लेकिन आप एलोपैथी का अपमान नहीं कर सकते। आपने यह सब तब किया जब अदालत का आदेश था। आप इतने मासूम नहीं थे कि आपको पता न चले कि अदालत में क्या हुआ है। मॉब लिंचिंग के मामले में धर्म से जोड़ना गलत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को धर्म के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए। मॉब लिंचिंग और गाय रक्षा के नाम पर होने वाले हिंसा को रोकने के मामले में जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली बेंच ने राज्यों से 6 हफ्ते में एक्शन टास्क टेकन रिपोर्ट मांगी है। महिला संगठन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। उसमें कहा गया कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को रोकने का आदेश जारी किया था, उस पर अमल किया जाना चाहिए। सरोगेसी कानून के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने सरोगेसी कानून के उस प्रावधान के खिलाफ एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा जो विवाहित जोड़ों को पहला बच्चा स्वस्थ होने पर सरोगेसी के माध्यम से दूसरा बच्चा पैदा करने से रोकता है। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सरोगेसी अधिनियम 2021 की धारा 4(3)(c)(2) को संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक दंपति द्वारा दायर याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। सरोगेसी विनियम अधिनियम 2021 की धारा 4(3)(2) के प्रावधान के तहत सरोगेसी के माध्यम से बच्चा पैदा करने की इच्छा रखने वाले जोड़ों को पात्रता प्रमाण पत्र लेना होता है। बच्चों को पड़ोसी जा रही अश्लीलता। सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द टॉप OTT मंचों पर प्रतिबंध लगाए जाने का अनुरोध करने वाले याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस संबंध में सरकार के समक्ष अभ्यावेदन दे। याचिकाकर्ता का दावा है कि OTT मंचों पर नग्नता और अनुचित दृश्य दिखाए जाते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ से कहा कि याचिका में यह सवाल उठाया गया है कि क्या OTT मंचों को बिना किसी रोक के ऐसी सामग्री प्रसारित करने या दिखाने की अनुमति दी जा सकती है जो सभी उम्र के दर्शकों के लिए उपयुक्त नहीं है। वकील ने आरोप लगाया कि OTT मंचों पर नग्नता दर्शाने वाला अनुचित दृश्य दिखाए जा रहे हैं। आज हमने आपको इस सप्ताह होने वाले कानून दुनिया से जुड़ी खबरों के बारे में बताया। मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसे ही खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।